इंदरगढ़ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 शीतलागंज में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बच्ची नंदिनी का मार्मिक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर देखा गया था, जिसे न्यूज चैनल फास्ट न्यूज ने लोहा पीटा समाज के परिजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है ऐसी खबर प्रसारित की थी। लोहा पीटा समाज की बच्ची ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें उसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी कि मामा मुझे भी एक पक्का मकान दिलवा दो। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने वायरल वीडियो संज्ञान में लेते हुए दतिया कलेक्ट्रेट संजय कुमार को कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं वीडियो जारी कर 3 जुलाई को बच्ची से मुलाकात करने की बात कही। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लोहा पीटा समाज की बच्ची ने मुख्यमंत्री से पक्के मकान की मांग की थी। लाडली बेटी की मांग सोशल मीडिया और न्यूज चैनल फास्ट न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित की। खबर को देखने के बाद दतिया के प्रभारी मंत्री सुरेश ठाकड़ ने लिया संज्ञान और कलेक्टर दतिया को दिए निर्देश कि वे स्वयं देखें इंदरगढ़ में लोहा पीटा परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से क्यों है वंचित। प्रभारी मंत्री स्वयं 3 जुलाई को इंदरगढ़ आकर लोहा पीटा समाज की बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने का प्रयास करेंगे। पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस खबर को मेरे तक लाए। मेरे पर खबर को मैं देख चुका और जैसे ही खबर आई वो बेटी ने अपने मामा से जो मांग की और जायज मांग की है, मैंने तत्काल कलेक्टर को निर्देश किए है और 3 तारीख को हो सकता है बेटी के घर देखने को वहाँ जाऊँगा। 3 को मेरे दतिया दौड़ा है और मैं कलेक्टर को बात करूँगा और इस बेटी के लिए घर बनवा के हम देंगे कि जिस सरकार की प्राथमिकता है कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर बना के हम देंगे। मैं स्वयं जा के देखूँगा और कलेक्टर को निर्देश भी किया है और मैं कलेक्टर साहब से पूछूंगा कि आपने इसमें क्या कार्रवाई की और जो भी कार्रवाई की हो उससे मुझे अवगत करा। मैं फिर बात कर रहा हूँ कलेक्टर को और 3 तारीख को इसका निदान हम दतिया में बैठे करेंगे।